लाइवली वीकेंड्स, लाइवली वीकेंड्स, हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, जो भी खाए कहता जाए, लाइवली वीकेंड्स, लाइवली वीकेंड्स। Assalamualaikum and good morning everyone. एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और साथ साथ अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पर भी ध्यान दे रहे होंगे। हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ का ताल्लुक डायरेक्टली हमारे माइंड से होता है, हमारी सोचों से, हमारी थॉट्स से होता है। एक इंसान की सोच उसको कहाँ से कहाँ ले जाती है, कभी वो उसको आबाद कर देती है, सक्सेस दे देती है, वो खुशी दे देती है, सुकून में मुब्तला कर देती है, ताकत देती है, और कभी एक इंसान की सोच उसको बर्बाद भी कर देती है, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग्स में डाल के एक छोटी सी बात का पतंगड़ भी बनाकर बेचैन कर सकती है, दुख दे सकती है, रुला सकती है और पता नहीं क्या कुछ कर सकती है। तो ये सब आपकी सोचें हैं, इसीलिए कहते हैं कि अपना माइंडसेट जो है ना वो बिल्कुल सही रखना चाहिए और पॉजिटिव रखना चाहिए। आपका माइंड आपको वहाँ वहाँ ले जाएगा जहाँ आप जाना चाहते हैं, और आपका माइंड वहाँ भी आपको रोक देगा जहाँ आप रुकना नहीं चाहते हैं और ना ही रुकना चाहिए। तो आपके माइंड में बड़ी ताकत होती है, और आप गौर करेंगे तो सबसे ज़्यादा तंग जो आपको करता है वो कोई और नहीं करता है, बल्कि आपका अपना माइंड ही तंग करता है। अगला जो है वो एक आध बार तंग करेगा, दो बार तंग करेगा, दस बार तंग करेगा, या जब जब वो सामने आएगा हम उसकी पिछली कोई बात को लेकर या उसके किसी बिहेवियर को लेकर तंग होंगे, लेकिन हमारा माइंड उसके जाने के बाद भी बार बार तंग करता रहेगा। तो माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये सब कैसे किया जाए, इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, बहुत सारे डेली रूटीन्स में आपको कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड करनी होती हैं, गौर करना होता है, अवेयर रहना पड़ता है, तभी आप जाके इन चीज़ों पर आहिस्ता आहिस्ता चलकर कंट्रोल हासिल करते हैं और फिर अपनी थॉट्स को वॉच करते हैं, और आप कंट्रोल इस तरह से कर पाते हैं कि जहाँ कोई नेगेटिव थॉट आई वहाँ पर आपने अपनी थॉट को रिप्लेस किया किसी और थॉट से, उसको बढ़ने नहीं दिया। मेन इसकी ये चीज़ यही है कि एक छोटी नेगेटिव थॉट भी आए ना, उसको आप और आगे जाने ना दें, उसको दोबारा से एक लूप बनने ना दें, वरना फिर आप खुद ही आपको थॉट्स जो है ना वो वैसी वाली नेगेटिव ले जाएंगी कहीं दूर, और आप बस दुखते रहेंगे, चिढ़ते रहेंगे। खैर, हम इस पर मज़ीद आज बात करेंगे। आज क्या बन रहा है हमें नहीं पता, क्या बन रहा है मुझे तो नहीं पता, भाई शाजिया ही बताएगी। वालेकुम अस्सलाम, आज तो आप बहुत यंग यंग लग रही हैं, वैसे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, क्या हो रहा है? Yes, you are. You're young at heart, Shazia. Yes. That makes you look young every time. Of course, definitely. Young at heart, हमेशा हम सुनते हैं, आए जरा बैठे, हम लोग अक्सर कहते भी हैं, oh, we're so young at heart. इसका मतलब होता क्या है असल में? इसका मतलब सिंपल सा है कि आप, अगर आपका दिल जवान है तो आप जवान हैं, है ना? अच्छा, दिल होना चाहिए दा जवान बोलते हैं ना अभी, क्या क्या मतलब है जवान, क्या होना चाहिए कि इसका खुश रहना चाहिए? मैं, मेरा तो इसकी कोई खास ऐसी डेफिनेशन नहीं, बूढ़े लोग खुश नहीं रहते, नहीं रहते ना, चिड़चिड़े रहते हैं। अच्छा, हाँ। तो जवान लोग भी खुश नहीं रहते हैं, परेशानियाँ और डिप्रेशन बढ़ती चली जा रही है जवान यूथ में स्पेशली। यही तो हम लोग सिखाना चाहते हैं, है ना? क्या सिखाना चाहते हैं कि कैसे खुश कैसे रहें, कैसे रहें, लेकिन ये बात अभी तक मुझे इसका जवाब नहीं मिला कि दिल होना चाहिए था जवान का क्या मतलब है, कैसे जवान रखें दिल को, खाएं अच्छा तो दिल जवान रहे, या मेरे ख्याल में एक्सरसाइज करें, सोच अच्छी रखें अपनी, पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव रहें, मैं यंग हूँ और खुश रहें बस। कुछ भी हो रहा है होने दें, जवानी वाली हरकतें होती हैं वो करें तो दिल जवान है। जवानी वाली क्या हरकतें? इधर घूमना फिरना, नॉन सीरियस रहना, रिस्पांसिबल नहीं रहना, आवारा शूज के प्लान्स बनाना, बस बाहर खाते पीते रहना, शोक रंग और ये और वो। हाँ, ये बुरी बात तो नहीं है, आई थिंक सो नहीं करना चाहिए, लेकिन तो एक लिमिट कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ मतलब पूछ रही हूं, एक लिमिट में होना चाहिए हर चीज। आप अगर हर चीज को कहते हैं ना, आप खाएं भी मॉडरेशन में, हर चीज मॉडरेशन में करें। अगर आप फ्रूट्स फॉर एग्जाम्पल, अब फ्रूट्स कहते हैं ना हेल्दी है, अब उसी हेल्दी चीज को आप इतना इतना भर भर के खाएंगे तो वो आपके लिए हेल्दी नहीं, वो आपको कुछ काम नहीं करेगी। ऐसे ड्राई फ्रूट्स कहते हैं कि ड्राई के नहीं खाएं, अपने सिर्फ मुट्ठी कहते हैं, मुंह के टेस्ट के लिए नहीं खाएं,
फायदे के लिए सिर्फ एक मुट्ठी कहते खाएं, तो वही हो गया बात कि आप हर चीज को मॉडरेशन में करें। एक तो दिल जवान रखें और खुश रहें और यंग दिखेंगे, यंग दिखेंगे लेकिन एक हद में, एक हद में रहें। अब ये हद तो हर एक की अपनी अपनी होगी। हाँ, अपनी बाउंड्री होती है जिससे आपको, हर एक की अपनी अलग होगी, आपकी हद कुछ और होगी, किसी और के लिए वो हद कहेगी ये कौन सी हद है, नहीं मेरी हद इससे ज्यादा। ये सबकी अलग अलग थिंकिंग है, अपनी सोच होती है, आ जाती है बात घूम फिर कर दिमाग। यही पर ही, और मैं ये सही कह रही हूँ ना कि सबसे ज्यादा तंग हमें हमारा माइंड करता है, कोई करे ना करे। हाँ, सोच ही तो सब सारी चीजों की जड़ है, बीमारियों की भी यही जड़ है। जब इंसान टेंशन लेता है, जब इंसान बहुत सोचता है कि ये हो गया वो हो जाएगा, फ्यूचर के लेके मुसीबत हो जाएगी, वो हो जाएगा, ये होने वाला है, तो वो बस सारी गड़बड़ उधर ही से शुरू, सब अंदर चल रहा है और वो अंदर ही। कहते हैं हार्ट अटैक भी आपको टेंशन, आप जो लेते हैं डिप्रेशन होता है उससे आपको, ये आपका हार्ट अटैक हो जाता है। आपकी कैफियत बदलती है आपकी सोच से, आप कभी बहुत खुश होंगे, कुछ अच्छा सोच रहे होंगे और बस कोई सोच को पकड़ के बैठ गए होंगे तो बैठे ही रहेंगे। मैं तो कहती हूँ गुजरे हुए कल के बारे में नहीं सोचे और आगे के बारे में नहीं सोचें, जो आपका प्रेजेंट है ना सिर्फ उसके बारे उसमें रहें। हाँ, गुजरे हुए कल के बारे में उस तरह जरूर सोचें, अगर उसे सीखने के लिए, सीखने के लिए लर्न करें। हाँ, अगर आपको वाकई कुछ मोटिवेशन मिलती है, कोई बात आपने पकड़ के, कोई जिद आपने पकड़ के किसी की, जो आपने गलती की है उसको ना दोहराएं, जो पॉजिटिव की तरफ आपको लेकर जाए वो बहुत जरूरी है, क्योंकि पास्ट आप भूल नहीं सकते, माजी हमारा साथ हमेशा रहेगा, हमारे आज जो हो रहा है वो हमारे पास्ट की वजह से हो रहा है। एग्जैक्टली, वो कनेक्शन है आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। हम लोग पता नहीं कौन सा शो कर रहे हैं, कुकिंग शो है। आज हम बना रहे हैं चना कोफ्ता, प्रॉन कबाब और ट्यूना सैंडविचेस। अच्छा, ट्यूना सैंडविचेस। ओ बाय द वे, आज बहुत ही जबरदस्त सा प्रोडक्ट हम आपको बताएंगे, बल्कि प्रोडक्ट्स की रेंज है। एक तो सिब्लू के वो ट्यूना फिश का आप सैंडविच बना रही हैं। अच्छा, सिब्लू और इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फ्रेश स्ट्रीट और इस तरह के और बहुत से ब्रांड्स हैं जो हाउस ऑफ समरा के, ये मेन जो इनका ब्रांड है वो हाउस ऑफ समरा है, जिसके अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसमें वॉकर है, टोटी लवर है, सफारी है, एमिरेट्स पफाकी है, मिस्टर क्रिस और अफसर एंड सिब्लू, और ये तमाम वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे सिर्फ कराची में नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, उन्होंने मेरा ख्याल से तमाम शहरों में ही, मैं कहूँगी क्योंकि अटक, गुजरांवाला, गुजरात, हरिपुर, झेलम, मर्दान, मुल्तान, यू नेम इट, हमारे पाकिस्तान के हर शहर में इनके प्रोडक्ट्स, इनकी रेंज मुख्तलिफ स्टोर्स में, सुपर मार्केट्स में अवेलेबल है। सुपर मार्केट्स के भी नाम है, अगर आपको कहीं जाना है तो मैं बाद में आपसे शेयर करके आपको बताऊँगी। फ़िलहाल ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर पहली रेसिपी क्या बन रही है? चना कोफ्ता मेरी क्रिएशन है। अरे वाह, एक और नई क्रिएशन। मैंने इजाद की है, मैंने कहा चने के साथ, कोफ्ते के साथ चना क्यों नहीं डाल सकते, जब चिकन चना डलता है और ऐसे बनता है, चना गोश्त भी बनता है, तो ये इसके साथ कीमा चना बनता है। अच्छा, तो मैंने कहा ये मुर्गी चना छोला है, ये वाइट वाला, वाइट चिकपीस जो बड़े वाले छोले। ठीक है, ठीक है, सही है जी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस, क्योंकि कोफ्ते में अच्छे बनाती हूँ ना। Lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए। वेलकम बैक, आ जाइए, शाजिया तैयार हैं अपनी पहली रेसिपी जो कि आपकी अपनी ओन क्रिएशन है। हाँ, सही है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे अनियंस ब्राउन करने रख देंगे। ठीक है, चने बन रहे हैं कोफ्ते के साथ। ठीक है, और फिर हम कोफ्ते का बता देंगे। ये दो प्याज हैं। ऐसी क्रिएशन लेकर आई है शाजिया के, ये रेस्टोरेंट वाले ना और ये चना छोले वाले भी जो है, ये ढाबा स्टाइल मेरा, हलवा पूरी वाले भी कॉपी कर लेंगे शाजिया। अच्छा, ये आधा किलो अब मुझे पता है आपने किस उसमें बोला, आप समझती हूँ मैं आपकी बातें, मुझे समझ, अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ शाजिया ना भोली बनती है। अब मैं समझने लगी, तेज हो गई मसाला में आके। अच्छी बात है, मसाला चढ़ गया, स्पाइस मसाले का रंग। ऐड सम मसाला टू योर लाइफ, ऐड सम मसाला टू योर लाइफ। मेरे तो ऐड हो गया अंदर ही।
मेरे रग रग में। अच्छा ये आधा किलो कीमा है बीफ का, ये ले लें आप। अच्छा जी कीमा। अच्छा ये कोफ्तों के लिए आप अलग बना रही हैं। कोफ्तों ये मसाला होगा उसका। ये ग्रेवी। ग्रेवी हाँ, ग्रेवी अलग होगी। ठीक है सही। अच्छे ज़्यादा कोफ्ते बन जाएंगे आधा किलो। अच्छा हाँ हाँ, छोटे छोटे बनाएंगे ना हम। तीन तो रेसिपीज हैं जो शाजिया बना रही है ना। हाँ आज तीन है। अच्छा ये आलू हैं, ये बाइंडिंग के लिए मैं करती हूँ, तो इससे टेस्ट भी अच्छा आता है। कच्चे आलू लें आप। अच्छा दो आलू ले लें। ठीक है ठीक है। अच्छा कच्चे आलू। हाँ कच्चे आलू ऐड करती हूँ। तो वो किस में ऐड करेंगे? इसके अंदर। तो वो कच्चे कच्चे नहीं रहेंगे? नहीं पिस जाएंगे ना। कुछ लो कर तो आप देखिए, मैं तो बनाती ऐसी हूँ। अच्छा ये मेरी रेसिपी है खुद की। हाँ कोफ्ते में तो एक्सपर्ट है शाजिया। कोफ्ते हाँ कोफ्ते बनाए मैंने बहुत। सही है। अच्छा जी आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो सारी बातें मैं आपको सिखाती रहती हूँ, बात करती रहती हूँ थॉट्स के हवाले से। और आज जैसे एक सवाल मैंने किया था, ये जो कहते हैं ना कि दिल जवान होना चाहिए, इसका मतलब मुझे ज़रा आप अपने नज़रिए में ज़रूर मुझे बताइए। आज हम अपने कॉलर्स, अपने व्यूअर्स, अपने SMS करने वालों के लिए एनिक्स का ये डिलक्स जूसर देना चाहेंगे आप लोगों को, तो हिस्सा बनिए हमारे शो का। ये मैंने दो आलू डाल दिए दरमियान हाँ, और 1 teaspoon हम साफ करके धो के खशखाश डाल लेंगे। सही है। पिसी हुई है ये? क्रश हुई भी है। क्रश किया हाँ। ठीक है इससे भी अच्छी बाइंडिंग आ जाती है। अच्छा खशखाश से बाइंडिंग मतलब टेस्ट आता है और बाइंडिंग भी हाँ, आ जाती है। अच्छा 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 अदरक जो है ना आप हाँ। हमने तो ये क्रश कर लिया, लेकिन आप साबुत टुकड़ा डाल दें। ठीक है साबुत टुकड़ा डाले वो भी सही है, फ्रेश फ्रेश और अच्छा। सही। क्या वजह साबुत डालें हम क्रश नहीं डालें? पिस जाएगा ना वैसे भी। अच्छा आपको इतनी मेहनत डबल डबल करने की ज़रूरत नहीं है। सही है ब्राउन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है और लहसुन भी ऐसी साबुत डाल दें। ठीक है 2-3 जगह मेरे यहाँ। और ये पिसा ज़ीरा है, गरम मसाला है। मैं चमचा दूँ? अच्छा कौन से चम्मच? हाँ आज ये अलग है हाँ। ये गरम मसाला है, 1 teaspoon गरम मसाला ऐड कर दें। अच्छा गरम मसाला हाँ। हल्दी 1 teaspoon, रेड पेपर 1 teaspoon, हरा धनिया, हरी मिर्चें 4-5। ठीक है काली मिर्च डाल दें फ्रेश। ठीक है फ्रेशली क्रश्ड हाँ। ब्लैक पेपर, हल्दी थी, लाल मिर्चें और थी, नमक, नमक और खशखश कुटी हुई, आलू, गरम मसाला हाँ गरम मसाला। ठीक है नो ज़ीरा? नहीं ज़ीरा नहीं, ज़ीरा हम उसमें ग्रेवी ठीक है और खशखश थी। सही है अब इसको हम शॉप राइस कर लेंगे। सही है भाई आज तो मेरा ड्रेस यहाँ पीछे खड़े रहने वाला नहीं है, सामने रहने वाला है। है ना हाँ सारा कुछ तो इधर हाफ वे डाउन में है, वो छुप जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। लोग कहेंगे ये कैसी शर्ट पहन ली किरण ने, उनको सिर्फ शर्ट नज़र आएगी, मैं वो पूरा ड्रेस दिखाती हूँ। बाय द वे एनिवर्सरी है हमारी आ रही है, 13 को नेक्स्ट सैटरडे को एनिवर्सरी होगी। शाजिया से पूछती उसकी तैयारी हो गई? शाजिया सोच लिया क्या पहनना है? हो गया कल हुआ है कल ग्रीन कलर का ड्रेस, ग्रीन हरा 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 ड्रेस क्या पहननी, शलवार कुर्ता ईस्टर्न वेस्टर्न? ईस्टर्न टाइप है, ईस्टर्न मिक्स है, मिक्स हाँ। और आपकी? अभी नहीं हुआ कुछ क्यों? अच्छे से शॉप हो रहा है भैया। अच्छा जी एक दो और चीज़ें मैं आपको ज़रा बताऊं, ये हाउस ऑफ समरा की अच्छा हाँ कहाँ कहाँ अवेलेबल है आप लोगों के शहर में, अगर नाहिद सुपरमार्केट है, केफोर है,
स्पार पाकिस्तान आगाज़ बिन हाशिम सुपरमार्केट ईसा जी ये तमाम एपको सुपरमार्केट अल फतेह एंकर स्टोर लाहौर ये अगर आपके शहर में मौजूद हैं आपको ये प्रोडक्ट्स वहाँ मिल जाएंगे बड़े बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं इनकी पैकिंग शैकिंग क्वालिटी एवरीथिंग आप देख रहे हैं और इनकी बहुत रेंज जो है ये पूरी मैं तो खुद देख के हैरान हो गई मैंने कहा ये कौन सा प्रोडक्ट आया अच्छा ये फ्रेश स्ट्रीट के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ इनकी सॉसेज लगी हुई हैं और इनके ये फ्राइज़ हैं इवन के ये कर्ली फ्राइज़ भी हैं फ्रेंच फ्राइज़ हैं फ्रोज़न जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं और सॉसेज भी अच्छी क्वालिटी की हैं ये फ्रेश स्ट्रीट की हैं लेकिन ये सारे के सारे जो भी आप ब्रांड देख रहे हैं ये मेन ब्रांड इनका हाउस ऑफ समरा का है जो कि अब पाकिस्तान में अवेलेबल है हाँ जी हो गया जी हो गया ठीक है इसके ना आप कोफ्ते बनाएंगे इसके कोफ्ते बना लेंगे छोटे छोटे से बना लें आपकी मर्जी है बड़े बना लें सही अच्छा थोड़ा सा ऑयल शॉयल लगा के हाथ गीला करके या ऑयल करके हाथ को ठीक है और दूसरी तरफ आपने प्याज रखी हुई है हल्की गोल्डन और इसमें हम ये कोफ्ते ना हाँ। फ्राई करके अच्छा जी बाद में एंड में डाल देंगे इसमें छोटा नहीं है फ्राइंग पैन अभी तो कह रही थी सब को बहुत सारे कोफ्ते बनेंगे अभी इतना छोटा है बड़ा है ये वो रहा ना इतना बड़ा ये देखो वो इसलिए मैंने किया कि शैलो फ्राई करना है ना हमें इसमें ऑयल इधर उधर चला जाएगा क्यों सारे बना के इकट्ठे डाल देंगे ऑयल भी मैं चाह रही थी इसी में कर देंगे इसका ऑयल डाल लेंगे क्या है इकट्ठा आ जाएगा वरना उसमें दो में करना पड़ेगा हमको अगर आपका इरादा सिर्फ पाँच छः बनाने का है तो ठीक कम सही है अच्छा कोई कॉलर है बताइए हम बात करें जरा अपने कॉलर से उनसे पूछें दिल होना चाहिए था जवान आप लोग क्या समझते हैं इससे कि दिल जवान होना चाहिए क्या मतलब है इसका हंस रहे हैं आप लोग उनका उनकी सोच कुछ और होगी सबकी आज जैसे आपने कहा था ना अलग अलग सोच होती है हाँ अब तो चले मर्दों की सोच कुछ और होगी औरतों की कुछ और होगी वैसे ये तो है हर एक की सोच और इंसान जाना ही अपनी सोच के हाँ. उससे जाता है कि जो जैसी और जैसी हाँ सबकी अपनी अपनी सोच है अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए मैं तो कहती हाँ. ये नहीं है कि आप अपना थोपे नहीं यूं है नहीं नहीं सही है बस अब वो जैसे बोल रहे बोलने दो आप जैसे बोल रहे हो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप अपना रख लो हाँ खत्म उसकी अपनी समझ है हाँ लोग उसकी नॉलेज लोग जज्बाती हो जाते हैं इस बात पे भी लोगों को क्या है लोग तो बहुत जज्बाती हैं यहाँ पर यहाँ तो सबर नाम जज्बात की रूम रोह में डूब जाते हैं बस फशादे में नोट करती हूँ कि सिग्नल पे से निकल ही नहीं रहा मेरा हाथ स्लिप हो रहा रुकते हैं तो मैं सिग्नल पे सिग्नल पे भी लोग गाड़ी नहीं रोकते हैं चलो यार हाँ। कहीं से कोई नहीं आ रहा निकल जाओ ना ये तो है ना दिस इज ट्रू तो इसी से ही पता चल रहा है कि कितना सबर है उस ड्राइवर में नहीं है कि जो इतना भी नहीं दो मिनट का सिग्नल भी नहीं आप रोक सकते आपको मैं एक मिसाल देती हूँ अपने फादर की कि हाँ, हमारे मेरे फादर थे डंडे के जोर पे बाहर के मुमालिक में सबर करवाया हाँ, जाता है मेरे फादर थे तो उस जमाने में तो इतना ट्रैफिक भी नहीं होता था हाँ, रात के 12 बज रहे थे हाँ, और सिग्नल बंद था और रुके होंगे वो रुके हाँ, कह रहे थे नहीं रूल इज रूल रूल को फॉलो कर बिल्कुल नहीं और फिर ये सोचें कि उतने इंतज़ार में आपके अंदर आपका स्पिरिचुअल मसल जो है ना आपका सब्र वो डेवलप होता है क्योंकि फिर आप जब छोटी छोटी चीज़ों पे गौर करते हैं और सब्र करते हैं फिर बड़ी बड़ी चीज़ों पे भी अल्लाह ताला सब्र डालता है अच्छा जी ब्रेक आ गई है एक ब्रेक आ गई तो ब्रेक जब तक आप कोफ्ते बनाइए फ्राई की हाँ ब्रेक में हम कोफ्ते को बॉल्स बना के और उसमें फ्राई करेंगे बस इसमें मैं बता देती हूँ कि ये ब्राउन हो जाएगी ना तो हम गरम मसाला ऐड कर नहीं सामने अच्छा सामने कर देंगे ठीक है अभी तो वेट करते हैं आप लोग ब्रेक लीजिए हर घर में जब सब होते हैं साथ होती है प्यार की बात दिल से पकाए वेलकम बैक आ जाइए कोफ्ते तैयार हो रहे हैं
गोल गोल तो बना लिए हैं, अब हल्का सा इनको हम सौते करेंगे, बाकी वो प्याज हमने हल्की जो ब्राउन करके रखी हुई है वो आपका वेट हो रहा था। अब बताइए क्या करना है। अब मैं आगे उसका बता देती हूँ, क्योंकि अब इस ब्रेक में जरा सा हम इसको हाँ बहुत हमने खींच लिया, च्युइंगम बना लिया कोफ्तों के चक्कर में ना, कोफ्ते की बॉल्स भी तो बनाने में टाइम लगता है, दो ब्रेक्स भी ले ली और अभी तक हम वहीं के वहीं नहीं नहीं हम अभी आगे चले जाएंगे। ठीक है शाजिया, मतलब रेसिपीज आज कम हैं आपकी लोड कम है हाँ काफी कम है। अच्छा इसमें हम गरम मसाला ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या क्या जा रहा है साबित गरम मसाला? इसको हमने पीसना भी है। किसको? अनियंस को। ठीक है, तो बस इसमें गरम मसाला ये बताती रहे ना क्या क्या डाल रही है। ये मैंने तेज पत्ता डाला है, लौंगे डाली हैं, जीरा डाला है और काली मिर्च, जीरा और डालते हैं, 1 teaspoon जीरा होना चाहिए, मतलब टोटल आप 1 tablespoon डाल दें गरम मसाला। ठीक है, ठीक है, हम इसको निकाल के इधर हम कोफ्ते फ्राई कर लेते हैं। हाँ, तो मसाला सारा डालकर पीसेंगे या अभी? हाँ पीस लेंगे, हट के हो जाता है वो, थोड़ा सा मैंने डाल दिया टाइम सेव करने के लिए। सही है, तो हम थोड़ा सा और ऑयल कर लेते हैं, शैलो फ्राई करें वैसे कोफ्ते को, वैसे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि जब प्याज निकाले जब कोफ्ते फ्राई कर लें, एक ही बात हो जाएगी। क्या कहना चाह रही हूँ, अनियन जैसे हम निकालें ना तो हम टाइम बचाने के लिए ऐसे घर में अगर लेडीज पका रही हैं ठीक है, तो जब प्याज निकालें इसी ऑयल में कोफ्ते फ्राई करके निकाल लें बाहर। ठीक है, फिर बाकी इसमें अदरक लहसुन दही और ये सारे मसाले डाल के हाँ भून के इस तरीके से ऑप्शन, और ये हाँ पीसना, ये पीसना तो वो अच्छी सी ग्रेवी बनेगी, क्योंकि मैं टोमेटो पेस्ट लाई हूँ। हाँ। वैसे टमाटरों को भी आप पीस लें, उसका पेस्ट बना लें। सही, इससे फ्लेवर चेंज नहीं हो जाता टोमेटो पेस्ट थोड़ा डालने सा, से थोड़ा। हाँ, इसका थोड़ा सा हल्का स्लाइटली स्वीट सा आता है। हाँ। लेकिन इससे ना कलर इतना अच्छा रेड आता है, कलर आता है, अच्छा कलर बहुत रेड आता है। हाँ, या आप मिक्स भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आप टोमेटो पेस्ट डाल दें, बाकी टमाटर ही इस्तेमाल करें। सही है, ये हम बाकी हुए ना उसका ही बना लूँगी ब्रेक में कोफ्ते। ठीक है, और आज हम मोनसलवा से बटरफ्लाई श्रिम्प का क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं? हम इसका कबाब बना रहे हैं। कबाब? हाँ है, तो आज वैरायटी से मैं ये ज़रा देखती हूँ, सिब्लू सिब्लू का लाइट, अच्छा लाइट मीट ट्यूना है विद रेड चिली चंक्स हैं, ये चंक्स हैं और इसमें डिफरेंट रेंज भी आती है सिब्लू की, मैंने सिब्लू की वैसे ट्राई नहीं की है, आज करके देखते हैं। इसके सैंडविच बन रहे हैं शाजिया, आज बना रही हूँ। अच्छा जी, ये अनियन को हाँ हम इसमें निकाल लेंगे। सही है, क्या बात है, आज से कॉलर नहीं आ रहा है, हम दोनों कब तक बातें करें, ये भी खामोश तबीयत की, मैं भी खामोश तबीयत की, है ना शाजिया? बात होनी तो हम दोनों में से कोई नहीं है, सिर्फ बात करते हैं लेकिन ज़रा कम लिमिटेड करते हैं, बट हमारी नेचर अगर पूछेंगे तो हम बात होनी नहीं है। हाँ, है ना, ये तो है, लेकिन मीडिया में तो बोलना पड़ता है ना, मुझे सब ने बोला कि बात ज़्यादा से ज़्यादा करो, तो करो, चलो आज बात चलो करते हैं। आप बहुत सुनती हैं ना लोगों से, आप करती हैं मेडिटेशन? मेडिटेशन? हाँ हाँ, आपके टॉपिक के हवाले से ही करते हैं। हाँ कीजिए कीजिए, मैं करती हूँ मेडिटेशन, मैं बैठती हूँ, एक्चुअली मैं ना थोड़ी सी आई साइट के लिए क्षमा भी नहीं होती है ना, मैं वो भी करती हूँ कभी कभार। योगा करती हैं? नहीं, योगा मेरा वैसा वाला योगा नहीं होता, मेरा बहुत फुल बॉडी कभी कभार करती है, तो रेगुलर योगा मैं नहीं हूँ, बट मेडिटेशन मैं रेगुलर करती हूँ। मैं आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं दिन में 2 बार मैं बैठूँ, स्पेशली रात में सोने से पहले, और मेडिटेशन में, मेडिटेशन के बाद मुझको जो एक सुकून और ड्यूरिंग मेडिटेशन होता है ना, जब कभी वाकई मैं फील करती हूँ कि मेरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है यूनिवर्स के साथ, तो मैं बहुत रिलैक्स रहती हूँ। कॉलर आ गई हैं फाइनली हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी, क्या हाल है किरण आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, वही वाला नारा लगाए ना, बहुत अच्छी, बहुत खुश। हाँ, और बहुत प्यारी, और बहुत प्यारी
मैंने कहा आप याद कर रही हैं तो चलें कॉल मिला लेते हैं. थैंक यू सो मच, आपकी कंपनी इज अप्रिशिएटेड. हम मिस कर रहे थे. बस आपने याद किया तो हमने कहा अच्छा चलें, किरण कह रही हैं कि भी कॉल करें तो हम कॉल कर लेते हैं. सही है, नहीं बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा मुझे अच्छा जी जी मुझे ये बताइए कि आपको सबसे ज्यादा तंग दूसरे करते हैं या आप खुद आपका माइंड आपको तंग करता है? दोनों. समटाइम कैसा जवाब दिया, दूसरे तंग कर रहे होते हैं और कुछ बार दफा जो है खुद अपने आप को भी बंदा तंग कर रहा होता है. अच्छा दूसरे क्या तंग करते हैं आपको? दूसरे क्या तंग करते हैं, बस डिफरेंट, वो डिपेंड करता है कि क्या चल रहा है, क्या हालात हैं. हाँ, तो उसी तरह से होता है. तो किसी की बात सही नहीं लगती तो आप तंग होती हैं? हाँ ये भी होता है, बात सपने की कुछ बातें नहीं अच्छी लग रही होती वो भी होता है. सही है. तो अच्छा क्या दोनों चीजें चल रही होती? मुझे ये बताएं जब दूसरा कोई ऐसी बात करता है तो क्या आपके आपके पास ये चॉइस होती है कि आप तंग ना हो? हाँ जी होती है बिल्कुल, क्यों नहीं. ज़रा समटाइम्स आप इग्नोर कर रहे होते हैं. हाँ. बार दफा दिल पे भी ले लेते हैं, बार दफा इग्नोर भी कर देते हैं. अच्छा तो चॉइस आपके हाथ में है कि कभी मैं तंग होंगी कभी मैं तंग नहीं होंगी? होता है बिल्कुल ऐसा है, है ना. तो इसमें अगले का तो कोई कसूर नहीं हुआ ना? हाँ. है ना, कसूर तो सारा हमारा ही हुआ. क्योंकि है ना, सही है बिल्कुल. तो किरण मैंने तारीफ करनी थी, आप आज बहुत स्मार्ट बहुत अच्छी लग रही हैं, आपकी जो है शेफ वो भी बहुत अच्छी लग रही हैं. थैंक यू. और बहुत माशाल्लाह ग्रूम्ड हो गई हैं, ड्रेसिंग उनकी भी आपके साथ रहते हुई है या वो खुद से ही उन्होंने इम्प्रूव कर लिया? नहीं नहीं उसकी ऑलरेडी अच्छी है. शाजिया देखो मुझे क्रेडिट, नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी है, कुकिंग भी बहुत अच्छी है. थैंक यू. और जी बहुत अच्छा लग रहा है, सेट भी मुझे बहुत अच्छा डिफरेंट थोड़ा सा लगा है आज, पता नहीं डिफरेंट किया है या मैंने, लग रहा है कि मैंने बहुत दिनों के बाद देखा है. आपने शायद बहुत दिनों के बाद देखा है वरना हम काफी टाइम से इसी सेट पर हैं. जी जी बस वीकेंड में जरा बिजी थी तो बहरहाल. हाँ. बहुत अच्छा लग रहा है सेट भी और सब. अच्छा और अपनी टीम को भी हमारी तरफ से बहुत मुबारक दें, बहुत अच्छी सिलेक्शन होती है सारी रेसिपीज की. थैंक यू जी. अच्छा सुने सुने ऐसा ना हो कोई दूसरी कॉलर आए ना आए, आपसे ही पूछ लेती हूँ. मुझे ये बताइए कि दिल जवान होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? हाँ पहले तो यही मैंने आपको बताना था. हाँ. कि दिल जवान होना चाहिए तो बस ये कि आपको खुद, जैसे आप हमेशा बताती हैं कि पॉजिटिव रहना चाहिए और अच्छा रहना चाहिए, सही है. तो उसी तरह से मेरे दिल जवान रहता है जब आप खुद पॉजिटिव होते हैं. अच्छा दिल जब इसका ये मतलब है कि खुश रहना चाहिए. जी जी यानी कि आपको हर चीज अच्छी लगे, बस यही है. हर चीज अच्छी और लगे और आप चीजों को, जैसे मैंने कहा कि समटाइम्स इग्नोर भी कर देते हैं अपने आप को, जैसे आपको मैं इतने सालों से देख रही हूँ और आप जैसे गाइड कर रही हैं तो बहुत अच्छा लगता है. अच्छा अच्छा थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. आपसे अच्छी गपशप लग गई, थोड़ा सा वक्त भी गुजर गया हमारा और ब्रेक आ गई है. शाजी आप क्या चुन रही हैं? ब्रेक से मैं अपना टाइम पास कर रही थी क्योंकि वो कैमरा इधर आएगा तो फिर मैं बताऊंगी. हाँ बताइए बताइए फिर हम. अच्छा अब इसमें जो है ना ऑयल में हम अदरक लहसुन ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून. अच्छा गरम मसाला उसी में है. हाँ. और अदरक लहसुन, अदरक लहसुन को. अच्छा ब्रेक आ रही है हमारी. हाँ. रुकी हुई है आपकी, वेट सही बस सेकंड. हल्दी 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, जीरा 1 टीस्पून, धनिया 1 टीस्पून और ये दही जाएगी और टमाटो पेस्ट जाएगा, दही 4 टेबल स्पून जाएगी. ठीक थोड़ा सा सारा मसाला का बेटा. हाँ और इसको पीसना है प्याज को? हाँ इसको थोड़ी सी दही डाल के पीस लेंगे, बाकी इसमें भी डाल दें. ठीक है थोड़ी सी फेंट के. सही है ये टोटल मसाला. हाँ ठीक है जी आप लोग ब्रेक ले सकते हैं. ब्रेक से आने के बाद एक दफ़ा होगा तो रिकैप भी कर देंगे कौन से मसाले डाले. ब्रेक एंड देन विल बी बैक. देन वी आर वंस अगेन वी आर बैक ऑन लाइवली वीकेंड्स एंड हियर इज शेफ शाजिया विद मी एंड शी इज अ रियली गुड शेफ. थैंक यू. अच्छा हमने जो प्याज फ्राई की थी निकाली थी इसमें तो वो हमने दही के साथ पीस के मैंने इसमें ऐड कर दिया. ठीक है अब इस पॉइंट पे हम ऐड कर लेंगे इसमें चने. मसाला मैंने भून लिया है. ठीक है बॉयल चने, बॉयल चने ऐड करेंगे. और ये कोफ्ते ऐड कर देंगे, बाकी जो पड़े हैं वो भी हम ऐड कर देंगे बाद में.
क्योंकि कोफ्ते फ्राई कर लो तो वैसे ही आधे कुक हो जाते हैं. दिस न्यू रेसिपी ऑफ योर्स लुक्स वेरी डिफरेंट टेम्पटिंग एंड वेरी टेस्टी आल्सो. यस इट इज. ये कौन सा एक्सेंट बना रही हूँ मैं? ये आप उनका बना रही हैं, चाइनीज या जापानीज लोग? चाइनीज या जापानीज लोग, मैं रशियन डालना चाह रही थी, ये चाइनीज और जापानीज. वही लग रहा है मुझे तो. चाइनीज और जापानीज का कौन सा एक्सेंट होता है ऐसा? हाँ. वो अगर उर्दू बोलेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे ना, चींचो नहीं बोलेंगे वो. बट आई एम नॉट टॉकिंग इन उर्दू, आई एम माय इंग्लिश. अच्छा, इसको हम हल्की आँच करके ढक के रख देंगे सिमरिंग पे, बस फिर ये रेडी हो जाएगा. इसमें आप डाल दें हरा धनिया. ठीक है, मुल्तान से मरियम की कॉल है, लीजिए. चलिए बात कीजिए. हेलो, अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप शाजिया? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, किरण की तरह बहुत खुश. इस तरह फील हो रहा है जैसे दो किरण खड़ी हैं, किरण ने आपको भी अपने ही रंग में ढाल लिया है. वाकई में ये तो लोग इतना कह रहे हैं कि मुझे भी लगने लगा है. हाँ, बेशक आप जरा गौर तो करें ना, किरण हम लोगों को ये ऑप्शन देती है कि हम ऐसे रहें वैसे रहें, तो वही आपको भी सब कुछ पढ़ा दिया है. आप लोग दोनों एक जैसे ही लगते हो. अच्छा, सही है, बहने लगते हैं. हाँ जी, नहीं सगी बहने तो हम सब होते हैं ना, लेकिन रात को आप प्रोग्राम रिपीट में देख लीजिएगा, ऐसे फील हो रहा है जैसे दो किरण खड़ी हैं. अच्छा अच्छा, चलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. नहीं नहीं, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट. बहुत अच्छी कर रही. वैसे हम लोगों को कीमे की डिश बताती हैं तो कोफ्ते का कीमा कर लेती हैं. आप कोफ्ते की डिश बनाए थे तो कीमा लेकर आई हैं. देखें जरा. नहीं, और अच्छी रेसिपी है, ये नहीं कि एनी सी. नहीं नहीं, अच्छी तो है, माशाल्लाह अच्छी ही बनाती हैं. हाँ, अच्छी बन गई बिल्कुल. क्या क्या ट्राई किया? मेरा जो टिपिकल सवाल है हमेशा होता है, आपने क्या क्या ट्राई किया? नहीं, ये है कि जो चीज़ आप ट्राई करने की बोल रही हैं ना, इस तरह से हम कुछ भी आप बनाती हैं ना, वो हम फेसबुक पेज लेते हैं, वही ट्राई करते हैं. तो वो ये है कि हमारे जहन में एक सेफ हो जाती है आपकी रेसिपी ना. अच्छा. कि हमें दोबारा से फिर ऐसे ही बनाना है. ये तो अच्छी बात है, वेरी गुड. और इनसे सवाल करो ना आज का. अच्छा, आज दिल जवान. दिल जवान आप किरण का सुना था आपने? हाँ जी सुना था बिल्कुल. हमें तो इंतजार होता है कब दिल जवान होने का. क्या देखिए, दिल जवान से यही होता है कि जाहिर है बहुत सारे लोग जलते हैं या कहते हैं कि हाँ ये इन्होंने कैसी ड्रेसिंग कर ली है, कैसा कलर पहन लिया है. अच्छा. या ये तो बस किरण को सुन सुन के अपने आप को इस तरह समझने लगी है. हाँ. तो जाहिर है जो किरण है उनकी बातों से हमें एनर्जी मिलती है तो हम ऐसे बनते हैं ना. सही है बिल्कुल. मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, कौन कहता है कि नहीं दिल जवान. जवान तो बूढ़ों का भी होता है, तो हम लोगों का क्यों नहीं होगा जवान. हाँ ना बिल्कुल. नहीं, मैं तो सिर्फ मतलब पूछी थी कि क्या होता है, कौन कहेगा कि मेरा दिल जवान है. हम कहते हैं हम अच्छे हैं. हाँ. हम ये कहेंगे कि लोग कि हम तो अब मैच्योर हो चुके हैं, कोई बात नहीं. बच्चों हाँ. जैसा दिल क्यों रखते हैं? हम रखते हैं क्योंकि हाँ. हमें ये मतलब आपने ही सिखाया है ना कि हमने खुश रहना है, खुश रहना है. अपने आप को खूबसूरत समझना है. हाँ, हम बिल्कुल. कभी किसी से ये नहीं कहेंगे कि हाय हम सोग में बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होता. ऐसा नहीं होता है बिल्कुल. ये मैं यही कह रही थी, कहने की मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ. मैंने कहा कोई करे ना करे, हम तो करें. हाँ, करनी चाहिए क्योंकि फिर दूसरे लोग जल जाते हैं. हाँ, हम लोग अपनी तारीफ करेंगे, अपने आप को कहेंगे कि हम अच्छे हैं. हाँ, तो फिर दूसरे लोग जल जाते हैं. तो फिर अपने आप को थोड़ा जलाना है. दूसरा कोई जलता रहे तो उसकी मर्जी है. मैं आपको बताऊँ इतना क्या, आप चलो आप खुश रहो. इतना ध्यान नहीं करना चाहिए ना किसी को देखकर. हाँ, इतना ध्यान जाना ही नहीं चाहिए कि अगला जल रहा है या नहीं जल रहा है. ध्यान अपने पे रखे. जी जी, फोकस अपने पे ही रखना चाहिए. कोई बात नहीं और क्या. ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. अभी अगली रेसिपी भी ये ट्राई कीजिएगा अब आप. हाँ, और सीख लें. ये श्रिम्प से हम कबाब बना रहे हैं. और ये मोनसलवा के बटरफ्लाई श्रिम से एक नई रेसिपी. आज एक और हम आपको वेरिएशन सिखाएंगे. वैसे तो आपको पता है मोनसलवा के सारे चीज़ें बहुत मज़ेदार बनती हैं और कुकिंग को आसान कर देती हैं. बहुत सारी इनकी रेंज है और हर जगह अवेलेबल है. और झटपट बनाना है और मेहमानों को इम्प्रेस करना है, बच्चों को अच्छे खाने देने हैं, तो आप इनके मोनसलवा के प्रोडक्ट से बहुत सारी चीज़ें ईजाद कर सकते हैं. अच्छा, ये आपने किया है? ये इसकी हमने टेल हटा. सही है, टेल को रिमूव करके. हाँ, अब इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स थोड़े बहुत ही ज़्यादा नहीं है. हाँ, क्योंकि ऑलरेडी ये इसमें होते हैं ना स्पाइसेस तो. सही है. और ब्रेड क्रम्स भी लगे हुए होते हैं इसमें वैसे तो. सही है, उससे बाइंडिंग अच्छी आ जाएगी. ठीक है. हाँ, कभी जैसे
कटलेट्स बनाना चाहें सी फूड या प्रॉन के कटलेट्स, आलू के साथ आप ये थोड़े से मैश कर दें और एक प्रॉन का फ्लेवर आ जाएगा उसमें भी, है ना, कितने मजे का बन जाएगा। वो भी अच्छा है वो तरीका। अच्छा इसमें क्या है? इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून है ये यार हरी मिर्चों का पिसा हुआ, हरी मिर्चें पिसी हुई हैं। ठीक है 1 टेबल स्पून इसमें ये बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं, वैसे तो देख लें आप थोड़ा सा ऐड करें, ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये बेसन बेसन हाँ ठीक है। और ये अदरक लहसुन है, अदरक लहसुन चाहे तो साबुत भी डाल लें वो पिस जाएगा। ये ज़ीरा पाउडर है, ठीक है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, नमक हम ऐड नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी इसमें नमक होगा। ठीक है, और इसमें चाहे तो हम आलू भी मिक्स कर सकते हैं ना, बॉइल्ड आलू, बॉइल्ड आलू कर लें। हाँ वो आपकी मर्जी है, आप कर लें। मैं तो बस शॉर्ट मतलब थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स लिए, हाँ अनियन भी कर सकते हैं वैसे। सही है, वही सारा हरा धनिया हरी मिर्चें भी डालना चाहे तो। मैंने पिसी भी डाली है हरी मिर्च, अच्छा क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकि वो ना हो जाए, नहीं हार्ड ना बन जाए। काम करते हैं ब्रेक में जितना भी कर सकते हैं, आप लोग भी अपना काम कीजिए, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्लेस्ड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई फील द डिवाइन प्योरिटी इन मी। मैं स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग हूँ एंड मैं फिज़िकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। अपने माइंड को कंट्रोल में रखती हूँ, मुझे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता है, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करती हूँ, किसी की बात मुझे बुरी नहीं लगती है, मैं हर वक्त खुश रहती हूँ, हंसती रहती हूँ और अपना बहुत सारा ख्याल रखती हूँ और अपनी सोचों पर हमेशा ध्यान रखती हूँ। डाल दें वाइब्रेशन। एक ज़माने में मैंने ये सारी बातें बातचीत करना शुरू किया था वाइब्रेशन से, कि खाने में किस तरह से आप वाइब्रेशन डाल सकते हैं, पानी में किस तरह से वाइब्रेशन डाल सकते हैं, रिश्तों को आपस में कैसे मजबूत कर सकते हैं इन्हीं खानों में और पानी में वाइब्रेशन डालकर, अच्छी थॉट्स डालकर। और पता नहीं लोगों ने किया नहीं किया तो कि जब आपके कभी रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो या रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, आपके मुताबिक नहीं है, तो जो चीज़ आप चाह रहे हैं कि हमारे रिश्ते में प्यार मोहब्बत हो, तो आप अच्छी सी वाइब्रेशन डालें। जैसे जब भी आप पानी पिए या खाना खाएं या खाना बनाएं, तो आप बोलें कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे रिश्ते, मेरा इसके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बहुत गहरा है, अल्लाह ने हमें बना के रखा है, हमारी आपस में लड़ाइयाँ नहीं होती हैं और हमें एक दूसरे की बात समझ में आती है, बहुत अच्छे से हम समझते हैं, अच्छी अच्छी बातें, भले ही इसे टोटल ऑपोजिट हो आपका उसके साथ रिलेशनशिप, को सारी बातें आपकी बुरी लगती हों, आपकी बनती ना हो, लड़ाई झगड़े चल रहे हों, लेकिन वाइब्रेशन पॉजिटिव डालकर देखें उन चीज़ों को, फिर जो भी खाना खाएंगे पानी पिएंगे उसका असर आपके अपने मन पे पड़ता है। जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा अन्न, यानी कि जैसा मन अभी इस वक्त जैसा जिस वक्त अभी आपका जो मन है वो अंदर की जो वाइब्रेशन है वो आपके इस खाने में पड़ रही है ना, वो सारा ये खाना एब्जॉर्ब कर रहा है उस वाइब्रेशन को। अब कोई टेंशन में बनाएंगी आप, परेशानी में बनाएंगी आप, खुशी खुशी बनाते हैं, खुशी खुशी बनाओ तो मैंने देखा खाना मज़े का बनता है, वो तो है ही अलग। चलो असल चीज़ है वाइब्रेशन, नहीं दिखती ना हमें तो हमें लगता है कि ये कोई चीज़ ही नहीं है, तो वो एनर्जी दिख नहीं रही है जो डाली गई है। किसी भी होटल में जाएंगे खाना अच्छा सा सर्व होगा लेकिन आपको उस शेफ़ की एनर्जी नहीं पता जो इसमें गई है। खाना खाने के बाद आप घर जाएंगे आपका अजीब सा मूड हो जाएगा, कभी आपको कोई चीज़ बुरी लग जाएगी, आप कहेंगे पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ ना, अजीब सा वो कुछ हो रहा है, आपको क्या पता आपने कौन सी एनर्जी कंज्यूम कर दी। एग्जैक्टली इसलिए बोलते हैं हमेशा बाहर का खाना जब भी खाएं उसको इमोशनली क्लेंस करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ें सबसे पहले, फिर दुआ मांगें। बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ने का बोला गया है?
वाइब्रेशन साफ कर दें, क्लीन कर दें, अल्लाह का नाम डाल दें, पाक साफ कर दें उसको. तो मतलब अगर लॉजिक देखें तो यही है बिस्मिल्लाह पढ़ने की, कि पहले अल्लाह को याद कर लें, पहले सुपर पावर को, सुप्रीम पावर को याद कर लें, उसकी वाइब्रेशन लेके डाल दें खाने में और फिर उसकी वाइब्रेशन लेते रहिए. बिल्कुल हल्की आंच पे इसको करें, ये बर्न हो जाएंगे, ज़्यादा पकाने का इसको है भी नहीं. अच्छा, ये हैं वो प्रॉन के जो आपने, हमने मोनसलवा के बटरफ्लाई श्रिम से बनाए थे. मैंने ज़्यादा ही हल्की कर दी थी आँच. ठीक है, और अंडा क्रम लगाया, और देखो कितनी अच्छी रेसिपी आ गई है ना. सही है. एक एक और कॉलर अच्छी आ गई. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं किरण? आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है. आप कैसे हैं? मैं आपका प्रोग्राम देख रही, मेरी पहली बार कॉल लगी आपके प्रोग्राम में. अच्छा, फर्स्ट टाइम. मुझसे बात नहीं हो रही है. क्या चीज? मुझसे बात नहीं हो रही. आपसे बात नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही आपसे बात? मुझसे नहीं हो रही बात. कोई बात नहीं, आप अच्छी अच्छी थॉट्स हमें दे दीजिए. नहीं, आपकी बातें सुनते ही मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ जाती है. मैं आपके प्रोग्राम इसीलिए देखती हूँ कि मेरे मुझे बहुत ज्यादा टोन मिले आपकी बात. अच्छा, इनसे सवाल करने ना कोई. हाँ, सुनिए, मुझे बताइए, दिल जवान होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? हाँ बिल्कुल, मेरा दिल बहुत जवान है अल्हम्दुलिल्लाह. कैसे कैसे कह रही हैं आप, क्या करती हैं? हंस, वैसे तो हंसी बता रही है इनकी कि जवान है दिल. बिल्कुल. हाँ जी बताइए. मैं तो हाउसवाइफ हूँ. वैसे क्या है, हाउसवाइफ हूँ, घर में होती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी की बात की टेंशन नहीं लेती हूँ. आवाज़ नहीं आ रही है. मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं किसी बात की टेंशन नहीं लेती. अच्छा, बहुत अच्छी बात है. तो ये दिल जवान होने का मतलब ही यही है कि आप टेंशन ना लें. है? अच्छा, एक्चुअली इनका टीवी भी ऑन था और आवाज़ भी सारी. हाँ, वो सुन रही थी. ठीक है जी, यहाँ पर मैं ये देखना चाह रही थी कि ये कोफ्ते की शक्ल कैसी आ रही है चने के साथ. वेरी नाइस, कलर अच्छा आया ना. जबरदस्त. ये ना थोड़े सॉफ्ट है ना, तो शेप देख के इसका शेप खराब हो जाता है. अगर अच्छा, आप इसको हैंडल करना सही है, आसान नहीं होता. इसके बाद हम सैंडविचेस पे आ जाएंगे. हाँ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ शाजी. हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं, हमारी बस लास्ट ब्रेक एक रहती है. यहाँ पर हमने सिब्लू के सैंडविच के ट्यूना फिश के सैंडविचेस तैयार करने, और सैंडविचेस मेरा ख्याल से आपने कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, है ना, ये ग्रीन चटनी के साथ है. हाँ, इसमें सिर्फ ग्रीन चटनी लगानी है, जो स्लाइस को हमने सिर्फ ना अच्छा सेक लेना है. ठीक है, और हमने ग्रीन चटनी लगानी है और खीरा टमाटर रखना है. हाँ, और सर्व करना है, दैट्स इट. ओके ठीक है, विल बी बैक. हाँ, तो उसमें हो जाएंगे सैंडविच. वेलकम बैक व्यूवर्स. अच्छा, मैंने कोफ्ते तैयार कर दिए हैं, आप देख सकते हैं इसमें कोफ्ते तैयार हो गए हैं. और हमने कबाब है उस पर ब्रेड क्रम्स लगा के, अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स लगा के उसको हमने फ्राई करके वो भी डिश आउट कर दिया. अब हम बना रहे हैं सिब्लू के सैंडविचेस, और ये बहुत मज़े का होता है प्रोडक्ट. आप ये लें, रेडीमेड होता है, और इसको आपको कुक करने की ज़रूरत नहीं है. सिंपल आप निकालें और सैंडविच बनाएं. इसमें ककम्बर जाएगा, टमाटर जाएगा, और ये चटनी है हरी चटनी, जो घर की भी बनी हुई है और आप बाज़ार से भी ले सकते हैं. सिंपल आपने चटनी इस पे स्लाइसेस पे लगानी है और इसको इस पे डालना है स्पून से लेके, और ककम्बर और टोमेटो लगाने हैं, और सैंडविच तैयार. आई एम बैक, आई एम बैक. आई होप यू डिड नॉट मिस मी मच, सॉरी. हाँ, कर लिया मैंने जो सैंडविच की ये हो गई आपकी. हाँ, ये मैंने बता दी. ये भी हो गया सिब्लू का. हाँ, और ये भी आपने बता दिया कि सिब्लू कौन सा ब्रांड है, किसका ब्रांड है. हाउस ऑफ समरा का ये ब्रांड है. ये नहीं बताया, ये आप बताएं. और इसके हम प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि फ्रेश स्ट्रीट की ये तमाम सॉसेज हैं, बारबेक्यू सॉस, ये एक रेंज है इनकी. बीट रूट सॉस भी है बाय द वे, और बेकिंग पाउडर वगैरह है इनके. फ्रेंच फ्राइज हैं, क्रिंकल फ्रेंच फ्राइज हैं, दूसरे वाले फ्रेंच फ्राइज भी हैं. और इनके यहाँ पर ये स्ट्रॉबेरी, और ये क्या है इनका,
कोकोनट स्केप हेजलनट आई थिंक ये स्प्रेड्स हैं जो कि अवेलेबल हैं बड़े बड़े स्टोर्स और सुपरमार्केट्स में और पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर हैं वहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा ये ऑयल होता है ना इसमें? हाँ इसमें कुछ पानी वाला भी होता है, इसमें ऑयल वाला भी होता है इसमें। और ये आप वैसे ही खा लें जिनको थोड़ा सा ट्यूना फिश का एक फ्लेवर चाहिए होता है, मज़े का लगता है तो वो इन्जॉय करते हैं। कैट्स बहुत शौक से खाते हैं। अभी इतना सस्ता नहीं है वो कैट फिश, कैट टिन, कैट फूड जो है वो अलग मिलता है। वो अलग, हाँ वो भी एक्सपेंसिव होता है। वैसे घर में बॉईल करके देते हैं हम चिकन ना, तो वो सही रहता है, हेल्दी रहता है। बिल्ली है आपके पास? कितनी? एक है। अच्छा घर के अंदर रहती है? अच्छा। कोको नाम है इसका। कोको बहुत प्यारी है। ओके अच्छा अब स्लाइस मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा सेक लो और उसके हम स्क्वायर बनाएंगे। सही। अच्छा ये तैयार हो गया क्या? ये तैयार हो गया, बस हमें डिश आउट। तो चूल्हा बंद करना है? हाँ चूल्हा बंद। क्या लग रहा है ये आपने टेस्ट करना है? और मुझे वो कबाब मैं टेस्ट करना है। मैंने रखा है वो टेस्ट करने के लिए। क्रिस्प बने शाजिया? क्रिस्पी। मैंने नमक नहीं डाला इसलिए कि ना टेस्ट ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी उसमें सॉल्ट होता है ना। अच्छा फ्लेवर आया। अच्छा अब आप उसको टेस्ट करें। कब? किसको? कोफ्ता, चना कोफ्ता। अब वो सालन है ना असल में, सालन। हाँ सालन कैसे, चम्मच से कर लूँ? अरे डबल रोटी है ना। हाँ ब्रेड से कर लूँ? हाँ अच्छा चलो खैर थोड़ा सा ये चना ही कर। ये ले। नहीं चना करती हूँ ना काफ़ी। चना टेस्ट कर लें। हाँ, कोफ्ता नहीं करेंगी? कोफ्ता भी फिर कर लेती हूँ कि क्या करूँ। हाँ थोड़ा सा, हाँ आलू इसमें डाला गया है जो कि आपने कहा कि थोड़ा हाँ गल जाएगा। हाँ गल जाएगा। डबल रोटी का टुकड़ा भी ले लेती हूँ ना। सही से आए। चलो जी आज का शो भी एक तरह से हुआ मुकम्मल। इस पे हम सबसे पहले हरी चटनी लगाएंगे। अच्छा है। अच्छा और कोफ्ते के साथ ही मैंने लिया। अच्छा है सालन का फ्लेवर और कोफ्ता, गुड आइडिया। ये नाइस, ये स्ट्रीट फूड होता है ना उसमें इंडियन स्टाइल जो है। अच्छा हरी चटनी, हरी चटनी। अच्छा ये हरी चटनी लगा के जो सैंडविचेस बनाते हैं मुझे बड़े मज़े के लगते हैं। हाँ। तो वही मैंने माइंड में सोचा कि उससे करते हैं टूना फिश के साथ। हालांकि आप इसको मेयोनीज वगैरह के साथ भी, हाँ मेयोनीज के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ये हरी चटनी हेल्दी है। अच्छा जब आप ट्यूना यूज़ कर रहे हैं हेल्दी चीज़ तो आप सही है। हरी चटनी यूज़ करें एक हेल्दी हो जाएगा ना, मेयोनीज में तो बहुत ऑयल होता है ना। ठीक है और इसको स्प्रेड कर दें टमाटर और खीरे के साथ। आइए जी सिबलू की ट्यूना फिश हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे भी हम खा सकते हैं टेस्ट करने के लिए। हाँ वैसे खा रहा, ट्राई कर लेते हैं। ट्यूना फिश के सैंडविचेस बड़े मज़े के लगते हैं। कुछ लोग तो सैलेड में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। सैलेड में भी ऊपर डाल सकते हैं। हाँ थोड़ी सी बस हेल्दी होते हैं ना फिश, तो हेल्दी है, मज़ेदार है ना। मेयोनीज खूब सारा खीरा और वो कद्दूकश करके आइसबर्ग और ट्यूना फिश डालें और इसको जो क्रोसॉन सैंडविच होता है ना वो भी बना सकते हैं। क्रोसॉन में बनाएं, बहुत मज़े का बनेगा। चलो जी आज की तीन रेसिपीज भी ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट, डिश आउट। अब सिर्फ एक लास्ट रिकैप ब्रेक है, अगर आप लोग लेना चाहें तो हम ले सकते हैं। ठीक है चलें, कोई रेसिपी मिस हो गई इसकी रेसिपी तो नोट कर लें, बड़े मज़ेदार थी। एक रिकैप है उसमें आप लोग देखिए, हम ब्रेक से वापस आते हैं। Lively weekends, हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाया, जितने प्यार।
वेलकम बैक. यहाँ पर सैंडविचेस तैयार किए जा रहे हैं उसके ट्यूना फिश के. हमने सिब्लू सिब्लू है ना, सिब्लू के ट्यूना फिश के सैंडविच हैं. अच्छा मैं ये भी ले आऊँ ग्रेवी के लिए. कटलेट्स भी हैं, निकाल लूँ. नहीं छीटे मीटे ना पड़े फिर. नहीं नहीं छीटे नहीं पड़े फिर प्रॉब्लम. निकाल लें आप आराम से. चलो खैर है, छीटे पड़ भी जाए तो क्या बात है. हाँ मेरा नहीं है ना ड्रेस. अच्छा तो मुझे ज़्यादा एहतियात करनी पड़ रही होती है. अच्छा जी बिस्मिल्लाह, ये लीजिए जी मज़ेदार से चने कोफ्ते का सालन. इसको इन्जॉय कीजिए नान के साथ, चावलों के साथ, ज़ीरा राइस के साथ. और दुआएं लीजिए और दुआएं दीजिए सिखाने वाले को. हाँ बॉयल राइस के साथ. मैं इतनी अच्छी सी दुआ पढ़ रही हूँ आप. अच्छा गो विद द फ्लो शाजिया, गो विद माय क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब मेरी बात के साथ चलें. अच्छा क्या मैं इतनी अच्छी दुआएं दे रही हूँ. दुआएं दीजिए खाना सिखाने वाले को, ये रेसिपी सिखाने वाले को. दुआएं दीजिए खाना खाने वाले को, हर एक को दुआ दीजिए. हर एक के लिए अच्छी अच्छी दुआ, अपने लिए दुआ, खुशी. अच्छा अच्छा सोचें, खानदान में खुशी, रिश्तों में खुशी. अच्छा अच्छा खिलाएं, अच्छा अच्छा खाइए, खुश रहिए, अच्छा अच्छा कमाइए, भरपूर कमाइए, अमीर बनिए, जितना मिले उतना दीजिए. लेकिन जो है ना उसमें भी खुश रहिए, कोशिश कीजिए उसमें भी खुश रहिए. हर जो अल्लाह ने दिया खुश रहिए, हर हाल हर पल सेट रहिए. मसाला देखते रहिए, लाइवली वीकेंड देखते रहिए और मेरा शो जरूर देखिए. और मेरी रेसिपी जरूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कैसी बनी. हाँ जरूर. शादी लोग आपको कहते हैं आप बातें क्या करें ना, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ. ये तो बातें भी तो फिर थोड़ी डिफरेंट हो ना, अब हर बार एक बात आप करेंगी. डिफरेंट बात किया आज मैंने. क्या क्या? अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए. माय गॉड बहुत वेरी डिफरेंट. नाज़रीन हमारा खैर ये जो बातचीत का और छेड़छाड़ का सिलसिला है ये वैसे जारी रहेगा. हाँ एवरी सैटरडे टू सैटरडे जारी रहता है. ना मैं माइंड करती हूँ, आई होप कि शाजिया भी माइंड नहीं करती होगी. माइंड ही नहीं है मेरा. अब दिल में क्या है वो मुझे नहीं पता, और अगर आपके दिल में कुछ है तो आप अपने लिए बुरा करेंगी, मेरे लिए नहीं. देखा आपने कैसी बात बोली है ना, परफेक्ट. मैंने मतलब ना मैसेज भी दे दिया. हाँ. कि अगर आप किसी के लिए कुछ भी रखते हैं अगले को कुछ फर्क नहीं पड़ता. रखना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं. ब्लैक डॉट निकाल ग्रज रखने से अपना नुकसान होता है, क्योंकि फिर अपने दिमाग में खिचड़ी पकती है और दिमाग खराब होता है. बिल्कुल खराब करने की जरूरत नहीं है. दिमाग खुश रही है, जिस चीज पे आपका कंट्रोल है उस पे कीजिए, सिर्फ जिस पे नहीं है उसको छोड़ दीजिए और अच्छे अच्छे खाने बनाएं. सही बात भी गलत लगने लगती है अगर आपके दिल में ब्लैक डॉट. अपनी बस दिल की सफाई कीजिए, बस इन अ नटशेल. झाड़ू लगाएं, झाड़ू लगाते रहें, साफ करते रहें. आह साफ सुथरा रहेंगे ना, इतना हल्का हल्का महसूस करेंगे ना, लाइफ में भी आपकी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी. हम तो ये माई वाइंड अप में ही सारी बातें कर रहे थे आपसे, और अब आप लोगों से हम इजाज़त लेना चाहेंगे. और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़, और देखते हैं कि कल कौन आ रहा है, कल किन से हम सीखेंगे और कल क्या टॉपिक लेकर आते हैं या कल क्या बातचीत करेंगे. तो जब तक थैंक यू. ओके जी, खुदा हाफिज़. मुझे कह रही हूँ ओके जी से मैं जा रही हूँ. मैं ये सोच रही थी रख दूँ पहले ताकि शॉर्ट्स आ जाए. हाँ जी, शाजिया का हम थैंक यू करना चाहेंगे. अब इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट सैटरडे मुलाकात होगी. अपना बहुत सारा आप लोग ख्याल रखिए हम दोनों की तरफ से. खुदा हाफिज़ सिस्टर्स. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार. Lively weekends, lively.